नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। 10,000 की रिश्वत लेते दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। हारोनी पुलिस चौकी में शनिवार शाम एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर 10,000 रुपए रिश्वत लेते चौकी प्रभारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसे खींचकर गाड़ी में बैठा PGI थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद आरोपी चौकी प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बंथरा थाने में 28 अगस्त को एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी विशाल रावत पर FIR दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ाने के साथ दो आरोपी जेल भेजे गए थे। घटनास्थल दुबग्गा में MF टॉवर स्थित होटल था। केस की विवेचना कर रहे हरौनी चौकी इंचार्ज दरोगा राहुल त्रिपाठी ने होटल मालिक विनोद कुमार से कई बार पूछताछ की। आरोप है कि दरोगा राहुल त्रिपाठी ने विनोद को डराया कि चूंकि घटनास्थल उनका होटल है, ऐसे में वह भी धारा 368 के तहत आरोपी बनाए जाएंगे। दरोगा ने बचाने का दावा कर विनोद से 20,000 रुपए की मांग की। विनोद ने एंटी करप्शन की टीम को जानकारी दी। इसके बाद टीम ने दरोगा को रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बिछाया। शनिवार शाम 4 बजे विनोद रुपए लेकर हरौनी चौकी गए। वहां दरोगा राहुल त्रिपाठी ने जैसे ही रिश्वत की रकम हाथों में ली, टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया। मामले में PGI थाने में देर रात आरोपी दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एंटी करप्शन की टीम ने अचानक छापा मारकर दरोगा को दबोचा। कुछ देर तक दरोगा राहुल समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। वह भागने का प्रयास करने लगा। जब पकड़ा तो वह गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। तब टीम के पुलिस कर्मियों ने उसे जबरन खींचकर बैठाया। इस दौरान वह चीखता रहा कि मेरा अपहरण हो रहा, पर कुछ ही देर में साफ हो गया कि एंटी करप्शन की टीम ने उसे घूसखोरी में दबोचा है। अरे उनको बुलाए यार, आप तो पहले नहीं यार, अरे यार धक्का दे, पैर उठा लीजिए, वर्दी की व्यक्ति पर बैठना था वारंट यार दरोगा साहब। हम लोग क्या हुआ?